Hey everyone, hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards question number 7. अब ये बहुत interesting question है. अपने आप इसका मुझे answer दे पाओगे कि किस तरीके से आपको step by step energy transformation दिखेगा. So let's see क्या है question में. What are the various energy transformations that occur when you are riding a bicycle? तो जब भी कभी हम साइकिल चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी और आप यहाँ पे भी व्हीकल ले सकते हो, बट पर्टिकुलरली यहाँ पर एक साइकिल के बारे में बात करी गई है, ठीक है. सो आपको बताना है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके अंदर कितना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. सो लेट्स सी कैसे कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर मुझे साइकिल चलानी है, फॉर दैट मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए. विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट हैविंग ऐसा भी कुछ, अगर मेरी बॉडी में नहीं है, हिम्मत ही नहीं है एनर्जी साइकिल चलाने की, तो कोई पूरे सिचुएशन को हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से साइकिल चलाने की भी हमें एनर्जी चाहिए, एंड आफ्टर दैट बॉडी में क्या क्या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल चलाने की वजह से आते हैं. सो नाउ लेट्स सी, when we are riding a bicycle, the chemical energy of the food changes into heat. तो सबसे पहले आ गया वही फूड वाली बात जिससे मैंने आपको बोला था कि बॉडी को एनर्जी होना बहुत जरूरी है. तो बॉडी को एनर्जी तब तक नहीं मिलेगा जब तक उसके अंदर उसका नरिशमेंट, उसका न्यूट्रिशन का इंटेक नहीं हुआ. सो वो इंटेक हमें कहाँ से मिलने वाला है, बाय द फूड. तो फूड क्या करता है, केमिकल प्रोसेस है, ये हमें अच्छे से मालूम है, पूरा हमारा डाइजेशन प्रोसेस रहता है. तो वो क्या है, केमिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो रही है, हीट में, एंड देन इट विल कन्वर्ट टू दी मस्कुलर एनर्जी, और उसके बाद हमारे मसल्स या फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में थोड़ी सी एनर्जी डेवलप होती है जिसकी वजह से वी आर कैपेबल ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल नाउ. तो उसके बाद क्या होता है, ऑन पैडलिंग. अब चलो इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर आ गई कि हम एक साइकिल चला सकते हैं. नाउ व्हाइल वी आर सिटिंग, अब हम साइकिल पे बैठे हैं, पैडल करना है. सो पैडल करने के वक्त पे क्या हो रहा है, ऑन पैडलिंग द मस्कुलर एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हीट एनर्जी. सो बेसिकली हुआ क्या है, अगर अब हमने साइकिल चलाना शुरू किया है तो क्या है, हमारे मसल्स, हमारे बॉडी पार्ट, जिस भी चीज को हमें मूव करना है, हाथों की जरूरत है, पैरों की जरूरत है, दोनों में मस्कुलर एनर्जी भर भर के है, क्योंकि अभी खाना खाया है तो अच्छी खासी एनर्जी है, ठीक है. नाउ वी आर राइडिंग द बाइसिकल, अब हम क्योंकि बाइसिकल चला रहे हैं, जितनी तेजी से चलाएंगे, सबसे पहली बात हमारी बॉडी मोशन में आ चुकी है, तो जितनी भी एनर्जी हमारे अंदर स्टोर्ड थी, हमारी मस्कुलर एनर्जी कह सकते हो, और यू कैन इवन से योर पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि किसी भी रेस्ट वाली बॉडी में हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है. सो वहां मोशन में आने की वजह से वो किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में. और अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जितना ज्यादा तेजी से हम साइकिल चलाते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी भी वार्म अप होती है. तो इसी के लिए बोला जाता है ना कि साइकिल चलाना भी एक टाइप की एक्सरसाइज है, बिकॉज हमारी बॉडी वार्म हो रही है, उसमें स्वेटिंग होगी, दैट मीन्स वी आर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी ऑल्सो. सो इवेंचुअली आप ये कह सकते हो दैट व्हाइल राइडिंग अ बाइसिकल द मस्कुलर एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ऑब्जेक्ट हमारा काइनेटिक में बदल रहा है, एंड ऑल्सो आवर बॉडी इज पोजेसिंग हीट एनर्जी, ठीक है. सो आपको समझ आया किस तरीके से, इस टाइप से आपको बाइसिकल दे दिया, आपको एक्सरसाइज करने वाला भी दे सकते हैं कि व्हाइल वी आर जिमिंग, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो किसी जिम में तो कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बॉडी में हो रहे हैं. तो दिस कैन बी डिफरेंट टाइप, ठीक है. यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको क्या पता होना चाहिए कौन सी एनर्जी किस वक्त पे काम कर रही है, ठीक है. देन वी आर डन, और आप इजीली अपने किसी भी टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, फाइन. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय.